दोस्तों जहां पर हुंडई i20 और टाटा एल्ट्रोस एक नए अवतार में मार्केट में अवेलेबल है, वहीं पर मारुति सुजुकी बलिनो अब थोड़ा आउटडेटेड लगने लग गया है। लेकिन मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बलिनो अब नए अवतार में मार्केट में आने वाला है। गाड़ी ज्ञान के आज के एपिसोड में वो सारी सिंगल डिटेल के बारे में बात करेंगे जो कंपनी से लीक्स निकल करके आए हैं अबाउट 2021 बलिनो। कंपनी के अकॉर्डिंग 2021 बलिनो के हाइब्रिड वर्जन के ऊपर कंपनी बहुत ज्यादा काम कर रही है। हो सकता है इसमें अब आपको थोड़ा ज्यादा एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिले, जिससे आप फ्यूल के अलावा भी गाड़ी को थोड़ी देर तक आगे चला सकते हैं। ज्यादा पावरफुल बैटरी होने की वजह से उस पावरफुल बैटरी से पावर लेकर गाड़ी अपने आप को थोड़ा दूर तक लेके जा सकती है विदाउट फ्यूल। अब लुक्स के बारे में बात करें तो 2021 न्यू जनरेशन बलिनो के फ्रंट लुक को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। नया ग्रिल आपको देखने को मिलेगा जो टॉप मॉडल में क्रोम फिनिश के साथ में आएगा। रीडिजाइंड हेडलैम्प देखने को मिलेगा, रीडिजाइंड बंपर देखने को मिलेगा। अब LED के जो लाइट्स है वो थोड़ा आपको अलग शेप में देखने को मिल सकता है। साइड प्रोफाइल में जो अलॉय व्हील का डिजाइन है वो सेम रहेगा, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। 2021 बलिनो के इंटीरियर में भी कुछ चीजों को बदल दिया जाएगा, जैसे इंटीरियर में स्टीयरिंग व्हील को बदला जाएगा। न्यू स्टीयरिंग व्हील्स के साथ में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और जितने भी सारे एडवांस फीचर्स है वो आपको दिए जाएंगे। ऐसा सुनने में आया है कि नेक्स्ट जनरेशन बलिनो में आपको डुअल टोन डैशबोर्ड और 10 इंच के टच स्क्रीन डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और भी बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। इंजन के मामले में भी थोड़ा बहुत चेंज इसमें देखने को मिलेगा। 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन इसमें लगाया गया है। ये वही इंजन है जो स्विफ्ट में भी यूज होता है। बलिनो के जो इंजन है इसे रीट्यून्ड किया जाएगा और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से माइलेज भी इसमें आपको बढ़कर ही मिलेंगे। कंपनी के मुताबिक सिटी और हाइब्रिड ड्राइविंग को मिलाकर आप 22 KMPL का मैसिव माइलेज फिगर इससे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, कितना प्राइस बढ़ने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ेंगे। जो एग्जिस्टिंग बलिनो आ रहा है उससे 50,000 के अंदर अंदर ही ये गाड़ियां जो है वो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होगी। तो अगर आप बलिनो लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सही वक्त नहीं है बलिनो लेने का, आप वेट कर लीजिए। थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा लेकिन आपको एक अच्छा और एडवांस न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो 2021 के अंत तक इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।